समस्थानिक, हमारे पीरियडिक टेबल में इनका स्थान सेम होगा, आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर, समान परमाणु क्रम, क्या कहेंगे आप? डिफरेंट मास नंबर, भिन्न द्रव्यमान संख्या, डिफरेंट मास नंबर, द्रव्यमान संख्या भिन्न, और ये बदले जाएंगे बेटा, तो डिफरेंट मास नंबर, जैसे जैसे जेड एक्स एम है, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक, ये क्या है? मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है। जैसे कार्बन के आइसोटोप लीजिए, एटॉमिक नंबर सेम, और जब तक एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे कार्बन कार्बन ही बना रहेगा, क्लोरीन के आइसोटोप देखिए, यूरेनियम के आइसोटोप देखिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप देखिए, तो आइसोटोप का मतलब समझ गए हम, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर भिन्न, तो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, राहुल होगी जैन बेटा, आगे बढ़ेंगे, आइसोबार, आइसोबार हिंदी में भी इसी तरह लिखाएगा, आइसोबार ऐसा संभालने को लिखा नहीं आएगा, सेम मास नंबर, समान द्रव्यमान संख्या, समान द्रव्यमान संख्या, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा तो कार्बन से नाइट्रोजन बन जाएगा, अरे कोई अलग बन जाएगा, तो समान द्रव्यमान संख्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, तो भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक अलग होगा, जैसे कैसे लिखा देखिए, ये डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया, तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, आपको पता होगा, आपने देखा था जब बीटा एमिशन हुआ था, बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, तो बीटा एमिशन, ये पेरेंट न्यूक्लियस होता है, ये डॉटर न्यूक्लियस, ये माता नाभिक और पुत्री नाभिक, तो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस, ये पेरेंट न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस, क्या सेम है? मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, कल ऑफलाइन क्लासेस की छुट्टी है, ये बेटा ये उल्टे सीधे मैसेज कौन डाल रहा है, अभी ब्लॉक कर देंगे तो फिर क्लास भी नहीं ले पाओगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो बीटा एमिशन, बीटा उत्सर्जन, तो जेड प्लस वन एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, तो बीटा उत्सर्जन से क्या बनते हैं? आइसोबार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, उससे निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन बहुत कम मास होता है, एक बात करें आइसोटोन, जैसे हम आइसोटोन बोले, टोन में एक शब्द आएगा न्यूट्रॉन, टोन में एक शब्द आएगा न्यूट्रॉन, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन, तो आइसोटोन बोल देना सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन सेम, आपको पता है जेड एक्स, जेड क्या होता है? जेड, तो आप जानते हैं जेड होता है प्रोटॉन, और ए मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अरे मास नंबर किसे बनता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जब हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं तो क्या फॉर्मूला बताएंगे? ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, जैसे 1H3 और 2H4, बोलो कितने न्यूट्रॉन है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड,
तीन माइनस एक दो, चार माइनस दो बराबर दो, तीन माइनस एक बराबर दो। तो आइसोटोन टोन सेम न्यूट्रॉन, तो आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन, तो आइसोटोन का मतलब क्या कहेंगे, सेम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समान। पिछले टाइम पर हमारी आपसे बात हुई थी कि न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, हमने आपको बताया था अल्फा बीटा गामा एमिशन। अब बात यह आती है भाई अल्फा क्या होता है, तो आपने कहा अल्फा तो हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो बीटा कौन होता है, बीटा कुछ नहीं कहा जाए तो आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और बीटा पॉजिटिव क्या होता है, इसको पॉजिट्रॉन, कुछ नहीं कहा जाएगा तो बीटा नेगेटिव मानेंगे। गामा क्या होता है, ये फोटोन होता है, फोटोन, फोटोन मतलब इस पर चार्ज जीरो। तो सबसे पहले हमने अल्फा को निकाला, जब एक टू एच4 इसमें से उछकेगा और निकल कर दे फ्रॉम न्यूक्लियस, कहां से आ रहे नाभिक से, ध्यान रखना। अब नाभिक के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन था ना पॉजिट्रॉन था, फिर आए कहां से नाभिक से, तो वो भी अपन चर्चा कर लेंगे। बीटा, बीटा कुछ नहीं कहा जाए तो बीटा नेगेटिव मानेंगे, देखिए जेड माइनस माइनस वन, जेड प्लस वन, और ये स्पेशल बोले तभी मानेंगे कि भाई पॉजिट्रॉन, मास नंबर सेम है तो इसको क्या कहेंगे, आइसोबार, आइसोबार। ग्रामर निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं अगर मास नंबर में अंतर करना है तो अल्फा है। अब बात ये आती है कि बीटा जब ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आते कहां से, वो देखिए ये भी पूछ रहे थे इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आते, वो देखिए। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, बैलेंस कीजिए इसको जीरो से वन, इसको बैलेंस करेंगे आ गया, यही है। साथ में इसको बैलेंस करने के लिए इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो, इसको क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। तो आप समझिए, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, क्या प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में बदलता है, तो कुछ नहीं कहा जाए, बीटा कहां से आया, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो ये बीटा आता है, उल्टा करते तो क्या प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में बदल सकता है, हाँ भाई प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में बदल सकता है, इसको इधर ले जाइए प्लस वन, इसको कहो बीटा पॉजिटिव, और एंटी न्यूट्रॉन अगर जाएगा तो इसको कहेंगे न्यूट्रॉन। तो इस तरह बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव का जन्म हो गया, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव का जन्म हो गया, आए कहां से, न्यूक्लियस से। तो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव ये क्या है, चार्ज पार्टिकल, कहां से आए, फ्रॉम न्यूक्लियस, ये कहां से आए, आवेशित कण है, कहां से आए, ध्यान रखना नाभिक से, कहां से आए, नाभिक से, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोई रोल नहीं है। फिर हमारी बात हुई थी आपसे वन क्यूरी, तीन और सात याद करना, दस दस, तीन और सात दस दस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, वन क्यूरी 3.7 इंटू 10 to the power 10, वन नजर, नजर को भी काउंट कर लो, दो चार छह, फोर तो गाड़ी है उसको चला दो, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, बात वन बैक्यूल की होगी, इसके साथ बोलेंगे वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, क्या ये ऐसा यूनिट है, हाँ ये ऐसा है, ऐसा यूनिट, तो ये यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की कहीं देना। अब बात करेंगे लॉज की, रेडियो एक्टिविटी का नियम क्या है, क्या कहता है ये नियम, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके, जितने ज्यादा एटम होंगे, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा डिके होगा, उतना ज्यादा खर्च भी होगा, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा डिके होगा। तो विघटन की दर, जैसे अपने पास किसी के 50,000 एटम है और किसी के 2,000 एटम है, तो 50,000 एटम जल्दी खत्म होंगे, तो dN अपॉन dt प्रपोर्शनल n, इसको रेट ऑफ डिके को लिखेंगे, प्रपोर्शनल डायंगल लैम्डा, लैम्डा ये वेवलेंथ नहीं है भाई, डिके कांस्टेंट,
छह इस्लाम इस्लाम के नेता के जीवन है क्या बिल्कुल इस्लाम डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसको तो यहां से इसको इधर ले जाइए सॉल्व कीजिए तो dn अपॉन n इसको हमने इंटीग्रल कर दिया तो हमारे पास ये आ गया n नॉट क्या है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर तो n जीरो ये क्या है n जीरो ये इनिशियल है इनिशियल अमाउंट है प्रारंभिक मात्रा n आफ्टर टाइम टी तो अमाउंट टी समय बाद मात्रा अगर हमने कहा टी यदि ऐसा हो यदि टी बराबर मान रहे टी हाफ मतलब हाफ लाइफ यदि टी अर्ध लाइफ है अगर टी हाफ लाइफ है तो एन को कितना होना पड़ेगा एन जीरो का आधा अगर हमने कहा टी हाफ लाइफ है तो एन को कितना होना पड़ेगा एन जीरो का आधा अगर टी हाफ लाइफ है तो एन को आधा होना पड़ेगा एन की जगह एन जीरो बाई टू रखो अब टी को हमने क्या मान लिया टी हाफ इसको इधर ले जाइए इसको इधर लॉग लीजिए और इसी को एल एन लिखते हैं एल एन नेचुरल लॉग टू तो एन बराबर जिन पे डबल निशान क्यों लगा रहे हैं ये डबल निशान मतलब याद करना एन बराबर एन जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा टी क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 2.303 या 10 बेस बना ले क्या अभी बात वही है हाँ अभी भी वही है लॉग ई बेस टू की वैल्यू होती है 0.693 इसी को एल एन टू भी बोलते हैं नेचुरल लॉग टू और लॉग 10 बेस टू की वैल्यू होती है हमें ये वैल्यू कहां से याद आ गई तो ये भी आपको भी कट लेगा बेटा तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला अराइवल अगर हमने ये कहा यदि ऐसा है यदि टी बराबर बर्बोल लेमडा इसको क्या कहते हैं एवरेज लाइफ इसको क्या कहते हैं औसत आयु है तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस वन यानी इसको क्या कहते हैं शेष मात्रा अनडीके या इंटीग्रेटेड अबिलिटेड ये बच गया अभी शेष मात्रा तो एवरेज लाइफ में कितना बचेगा बना पोनी और डीके कितना हुआ खर्च माध्य आयु में खर्च कितना हुआ खर्च कैसे निकालोगे ई माइनस वन अपॉन ई तो एवरेज लाइफ में कितना खत्म होता है बन अपॉन ई बचता कितना बन अपॉन ई खर्च कितना होता है ई माइनस वन अपॉन ई पिछले टर्म पर हमारी बात हुई थी कोई अमाउंट 100% है एक हाफ लाइफ के बाद 50% बचा दो हाफ लाइफ के बाद 25% तीन हाफ लाइफ के बाद 12.5% फोर हाफ लाइफ के बाद बचेगा 6.25 फाइव हाफ लाइफ के बाद बचेगा 3.125 सिक्स हाफ लाइफ के बाद बचेगा 1.56% और सेवन हाफ लाइफ के बाद बचेगा 0.76 का तो आप देख रहे 99% सिक्स और सेवन हाफ लाइफ के बीच ही खत्म हो गया तो 99% के खर्च बिटवीन सिक्स एंड सेवन हाफ लाइफ छह व सात अर्ध लाइफ के बीच अगर आपसे पूछा 100% कब होगा तो आप बोल देना 100% डिले नेवर डिले इसके साथ साथ लगाएंगे नेवर कभी नहीं भाई आधा होता जाएगा 100% कभी डिले नहीं होगा 100% डिले होगा क्या नहीं हो पाएगा भाई 100% खर्च होगा क्या नहीं होगा कभी 99% छह साल तक लाइफ के बीच में 99% खर्च हो जाएगा 99% डिले हो जाएगा एक फॉर्मूला और बताया था शेष मात्रा डबल साल लगाना क्योंकि इसको याद कर लेंगे एन नॉट को क्या कहेंगे आप इनिशियल अमाउंट प्रारंभिक मात्रा स्मॉल एन क्या है
नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल एन बराबर अर्ध आयु कालों की संख्या। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ अर्ध आयु कालों की संख्या। स्मॉल एन का फॉर्मूला टी अपॉन टी हाफ। एक और फॉर्मूला मीन लाइफ का आपको बताएगा, इसी को एवरेज लाइफ कहते हैं। औसत आयु या मध्य आयु, मैंने बोल लैम्डा रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, और आप ये जानते हैं टी हाफ बराबर 0.693 लैम्डा, इसको रख दोगे तो ये आएगा। तो टी एवरेज टी आपका डबल से कम होता है भाई, टी एवरेज ज्यादा होता है टी आपसे, टी एवरेज टी आपसे ज्यादा होता है, टी एवरेज जो होता है वो टी आपसे क्या होता है ज्यादा होता है, टी एवरेज टी आपसे ज्यादा होता है, टी एवरेज जो होता है वो टी आपसे ज्यादा होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरण क्या है, बताओ आंसर बताएं।